ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਦੋ ਅਨੇਕ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦੋ ਅਨੇਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਪਰ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੈਂ ਵਰਕਰ ਐਂਡ ਹੈਲਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸੇ ਰੇਨਕਾ ਜਸਰੋਟੀਆ आज हमने ये प्रोटेस्ट किया है क्योंकि सबको पता होगा कि आंगनवाड़ी वर्कर में रिटायरमेंट जो एचआर पॉलिसी है वो एलजी ने लागू की हुई है। हम उनका स्वागत करते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है क्योंकि हर डिपार्टमेंट में 60 साल से ऊपर जो भी हो जाते हैं उनको रिटायरमेंट होती है, लेकिन हर डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ देता है ताकि वो आगे वाला जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन बड़े शर्म से बोलना पड़ रहा है कि हमारे डिपार्टमेंट में हमारी वर्करों के लिए कुछ नहीं सोचा गया है क्योंकि उन्हें घर भेज रहे हैं लेकिन ना तो उनको कोई पेंशन है ना कोई ग्रेच्युटी स्कीम है, कुछ भी नहीं उनको दिया था। इवन यहाँ तक कि उनका जो पिछला बकाया है 2018 में 5 महीने की सैलरी पड़ी हुई है, ये 1.5 साल हो गया है, स्टेट हमसे काम भरपूर ले रही है, पोषण ट्रैकर पर भी काम ले रही है लेकिन उसका पैसा इन्होंने हमें नहीं दिया है। सेंटर से जो हमारी पे आती है 8 महीने की वो भी रुकी हुई है, पोषण ट्रैकर पर काम करते हैं 2 साल से हम, फोन का पैसा जो है खुद ही रिचार्ज करवा रहे हैं उसका भी इन्होंने हमें पैसा नहीं दिया है, जो वर्करों को रिटायर किया है उनको भी कोई भी पैसा नहीं दिया है। हम चाहते हैं इनको पेंशन स्कीम लागू करो ताकि ये घर जाके अपना गुजर बसर तो कर सके, कुछ विडो हैं, कुछ के हस्बैंड नहीं काम करते हैं, बीमार हैं, वो कैसे अपना गुजर बसर करेंगे। 40 साल इस डिपार्टमेंट को दिए हैं इस वर्कर ने, कोरोना काल में भी ये फ्रंट लाइन वर्कर रही है, ये इन्होंने कौन सा काम नहीं किया, पल्स पोलियो खत्म किया है इन्होंने, इन्होंने बीएलओ की ड्यूटी दी है, इम्यूनाइजेशन पूरा करती हैं, पूरा काम करते हैं हम, पोषण ट्रैकर पे भी पूरा काम कर रहे हैं लेकिन 2 साल से हमें फोन का रिचार्ज कुछ भी नहीं दिया है, सैलरी नहीं दे रही है तो हम लोग काम कैसे करेंगे। तो हमारी यही एलजी सर से अपने डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें सड़कों पर आने के लिए मजबूर मत करो, इनको जो आपने इनको रिटायर किया है इनका जो पिछला पैसा है वो पूरा का पूरा इनका बकाया जो पड़ा हुआ है वो पूरा इनको दिया जाए इनको, और इनको पेंशन स्कीम ग्रेजुटी स्कीम जिसके लिए हम 2018 से भी लड़े हैं, 6 महीने हमने स्ट्राइक की है, कुछ ना कुछ तो इनको दो। हमने कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी लिया है, 22 फरवरी तक उन्होंने स्टे ऑर्डर दिया कोर्ट ने, लेकिन हमारे ऑफिस वालों ने वो भी नहीं माना है। कल इन्होंने वर्कर को वहाँ पे बुलाया था, वर्कर हेल्पर को, और इन्होंने वर्कर और हेल्पर को वहाँ पे साइन लेके इनको रिटायरमेंट के बोला है कि आप अब काम नहीं करोगे, लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं। आप ये नहीं कर सकते हो, कम से कम जो इनका पैसा बनता है वो तो इनको पूरा दो, जो इनका पिछला बकाया है 1.5 साल का स्टेट का है, सेंटर का 7 महीने का है, पोषण ट्रैकर का पैसा है, सीबीई का पैसा है, हमें तो कुछ भी नहीं मिलता। हम तो मतलब एक वो है कि आप सोशल काम कर रहे हो, लेकिन मैम एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, तो महिलाओं को इस तरह दर बदर भटकना पड़ रहा है अपने हक के लिए। जी हाँ, ये भी हम मोदी सर से भी, आपके सोशल मीडिया बड़ा आजकल फेमस है तो हम चाहते हैं कि आप लोग ही हमारी आवाज मोदी सर को भी पहुंचाओ कि आप ये नारा देते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन देखो ना ये बेटियां आज ये भी तो आपकी बेटी हैं जो माएं बन गई हैं, दादियां बन गई हैं, लेकिन इनको आप कैसे बचा रहे हो, इनको तो आप सड़कों पे रोल रहे हो, तो आप आगे कैसे आप ये काम करवा रहे हो। आप ये नारा तो बेफालतू का है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे तो लगता है फिर